एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मटर की सब्जी, जो हम बनाएंगे थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी खट्टी मीठी और थोड़ी सी स्पाइसी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर मटर की सब्ज़ी बनाना। एक बर्तन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 हरी मिर्ची और 4 से 5 लहसुन की कली। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहें तो इन्हें क्रश करके या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे 2 टमाटर, 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं। गाजर मीठी होती है इसलिए इन्हें थोड़ी सी खट्टी करने के लिए सब्जी को मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा लिए हैं। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। गाजर मटर की सब्जी बनाने में अगर आप खट्टे टमाटर काम में लेंगे तो और भी अच्छी बनेगी सब्जी। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को एक बार देख लेंगे, हल्के हल्के टमाटर हमारे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अगर आपको खट्टे टमाटर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल टमाटर हम काम में लेते हैं वही डाल सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मिर्ची मैंने 1/2 छोटी चम्मच ली है, आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे अच्छे से। टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, लेकिन मैं एकदम सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, रूटीन में हम बनाते हैं उसी टाइप से। काफ़ी लोगों को गाजर मटर की सब्ज़ी बनानी नहीं आती या फिर उन्हें पता भी नहीं होता है कि गाजर मटर की सब्ज़ी भी बनती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। गाजर मैंने ली है मीडियम साइज़ की 4, अगर वेट से देखें तो 200 ग्राम गाजर है। उन्हें मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके और बारीक बारीक काट लिया था। छिलके मैंने निकाल दिए थे गाजर के, पील कर दी थी गाजर को। और इसमें मैंने डाले हैं 1/2 कप मटर, फ्रेश मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। अभी फ्रेश मटर की सीज़न है तो फ्रेश मटर ही काम में लीजिएगा। थोड़ा सा इनको भी हमें पकाना है, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप जितना। हमें गाजर मटर को पकाना है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, गाजर हल्की सी हार्ड होती है। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है। अगर आप खुले में नहीं पकाना चाहते सब्जी को तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 1 सीटी ही लगाएं। अगर 1 सीटी के बाद नहीं पकता है तो आप 2 सीटी लगाएं, लेकिन 2 से ज़्यादा ना लगाएं। हो सके तो 1 सीटी ही लगाएं, 1 सीटी में पक जाएगा। 5-7 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। अभी शायद हमारी गाजर जो है वो पकी नहीं है, चेक कर लेंगे। अभी हल्की सी कड़क है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें रस नहीं रखना है, ये सूखी ही अच्छी लगती है। तो फिर से हम ढक्कन लगाएंगे और 5-7 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। तेल जो है वो सेपरेट हो चुका है और ये पकी हुई लग रही है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। मटर आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है और गाजर भी चेक कर लेंगे, ये भी सॉफ्ट हो गया है। तो दोस्तों हमारी गाजर मटर की सब्जी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे, लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे अगर आप डालना चाहें तो। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। लीजिए गर्मा गर्म गाजर मटर की सब्जी, रोटी, पराठे, नान किसी के भी साथ खाने के लिए तैयार है। बच्चों के टिफ़िन में बनाकर डाल सकते हैं, ऑफिस के लिए डाल सकते हैं टिफ़िन में या फिर रूटीन में। बनाइए, सुबह में बनाइए, रात में बनाइए, कभी भी बनाइए, फटाफट से बन जाती है, एकदम चटपटी, खट्टी मीठी और टेस्टी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो अच्छा है और नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज लेके आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।